चुनाव में हार जीत तो दो पहलू हैं आपस में। चुनाव लड़ने वाले में से कोई एक जीतेगा, सब नहीं जीत सकते, लेकिन जो नतीजा है उस नतीजे को लेकर के इस बात पे आशंका जताई जा सकती है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, ये बड़ा गेम है। हमारे हर बूथ के ऊपर एजेंट थे, हर बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता पिछले 15 दिन से काम कर रहा था। एक एक बूथ के ऊपर 15 से 20 कार्यकर्ताओं की संख्या थी, और हम कहीं अगर हमारा 4 वोट बढ़ रहा था तो हम उसको 4 के बजाय 1 में काउंट कर रहे थे, और हमारा कार्यकर्ता में इतनी कैपेसिटी है कि वो जिस बूथ के ऊपर आप जिम्मेवारी लगाओगे वो रोज़ाना हर हालत के अंदर 2-4 लोगों को 100% इस बात के लिए सहमत कर लेता है कि मैं आपके साथ खड़ा होकर के अपना वोट डालूंगा। जिस ढंग से हमारे वोट आए उससे साफ है कि बड़ी मैनिपुलेशन है। इसके लिए हमने अपने जिन साथियों की ड्यूटियां लगाई थी उन सब के फिर से जिम्मेवारी लगाई है कि आप अपने अपने वार्ड में अपने अपने बूथ पे जाओ, और बूथ पे जा कर के उन मतदाताओं से जा कर के पूछ के आओ जिनसे आपका रोज का वास्ता है, आप उनसे पूछो, पता करो कि क्या उन्होंने हमें वोट दिया या नहीं दिया। अगर दिया तो उनका वोट फिर ये मान के चलो कि एक मैनिपुलेशन के तहत गायब किया गया है। हम इसकी जानकारी 5 तारीख तक जुटा लेंगे और फिर चंडीगढ़ में 6 तारीख को बकायदा उन मतदाताओं को साथ लेकर के और प्रेस के रूबरू होंगे, बताएंगे कि किस तरह से सरकार ने दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने इसको मैनिपुलेट करने का काम किया। जहाँ इनके मैनिपुलेशन की पोल खोलेंगे वहीं हम शपथ पत्र उनसे लेकर के इलेक्शन कमीशन को देंगे कि भी हमारा जो वोट है उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको कैसे हमारे कैंडिडेट के पक्ष में जाने के बजाय दूसरे के पक्ष में गया है, उस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए। 100% है, और जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वहाँ पे, जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित किया है, 5,000 से लेकर के 8-10 हज़ार तक रुपया दिया गया, उसका भी इलेक्शन कमीशन को लिख के देंगे कि भी आप इसकी भी अपने लेवल पे इंक्वायरी कराओ। अगर कोई ऐसी बात हुई है जो लोगों से सुनने में आ रही है तो फिर ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर बैन करना चाहिए जो मतदाता को पैसे से प्रभावित करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, बात तो मैनिपुलेशन की है। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं जाता, हमारा कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है, और जब कभी भी पार्टी पे मुसीबत आती है, पार्टी को कोई कमज़ोर करने की कोशिश करता है, हमारा कार्यकर्ता और ज़्यादा दृढ़ता के साथ काम करके अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाता है। हमने ऐसे उतार चढ़ाव पहली बार नहीं देखे, हमने ऐसे उतार चढ़ाव बहुत दफ़ा देखे, और जब जब भी कभी इस तरह के उतार चढ़ाव आए हमने उसका डट करके सामना भी किया, और हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को 100% मुँह तोड़ जवाब भी दिया। तो फिर इलाहाबाद में क्यों नहीं जीते? फिर तो इलाहाबाद के अंदर भी रूलिंग पार्टी को जीतना चाहिए था। हुड्डा खुद चीफ मिनिस्टर थे, 2 महीने बाद चुनाव हुआ था। मैनिपुलेट करने वाली कौन सी पार्टी है? इस चीज़ का खुलासा तो आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए। जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हम किसी की बी टीम बन गए, जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हमने विधानसभा के अंदर कभी सरकार के सामने लोगों का पक्ष नहीं रखा, सरकार की भाषा बोली, ये वही लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। कांग्रेस भी JJP सब हमें कमज़ोर करने में लगे, सबको हम ही दिखाई दे रहे थे, हर आदमी के बच्चे बच्चे के जबान पे थी कि 100% अब की बार INLD और BSP की सरकार बनेगी, कैसे हमें कमज़ोर किया जाए, इसके लिए मैनिपुलेशन हुई है।